हेलो बच्चों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से कौन सी परत बचाती है। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पृथ्वी की आकृति बनी है जिसमें जो सबसे पहली परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि बाहरी ठोस हिस्सा होता है। क्रस्ट के बाद जो हमारी दूसरी परत आती है उसे हम मेंटल कहते हैं, जो कि क्रस्ट से परे आंतरिक हिस्सा होता है। मेंटल के बाद जो हमारी तीसरी और आखिरी परत होती है उसे हम कोर कहते हैं, जो कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। बात करें ओजोन परत की, तो ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर से होती है, जो कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमने पहले तीन परतें पढ़ी थी वो पृथ्वी की अंदरूनी परतें थी, और सिर्फ ओजोन ही ऐसी परत है जो पृथ्वी के बाहर स्थित होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, आपके सामने दिए गए समूहों में से ये पूछा गया है कि कौन से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं होते हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे इसका हल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें, जैसे कि हम फल सब्जियां इत्यादि जो भी हम चीजें खाते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बोतलें, कांच के बर्तन, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया अपघटित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। पॉलिथीन हमारी एक ऐसी सामग्री होती है जिसे बैक्टीरिया की क्रिया से बिल्कुल भी अपघटित नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक ऑप्शन में दिया गया है और प्लास्टिक हमारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम पूछा गया है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश को उत्पादक ग्रहण करते हैं, ये वे जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और ये प्रथम पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्पादकों से केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, जो कि हमारे शाकाहारी जीवों की होती है। ये वे उपभोक्ता हैं जो केवल पौधों और पौधों के उत्पादकों को खाते हैं, जैसे कि गाय और भैंस। यहाँ से भी केवल 10% ऊर्जा तीसरे पोषी स्तर के जीवों तक पहुंचते हैं, जो कि हमारे मांसाहारी होते हैं। ये वे उपभोक्ता हैं जो पौधों और शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि भालू। यहाँ से भी 10% ऊर्जा शेष मांसाहारी जीवों तक पहुंचती है, जो कि हमारे चौथे पोषक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वैसे ऐसे मांसाहारी जीव हैं जो अन्य जीवों का भोजन करते हैं लेकिन किसी भी शिकारी द्वारा नहीं खाए जाते। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि शेष मांसाहारी तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा सबसे कम बचती है। तो अगर हम यहाँ चारों विकल्पों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश उत्पादक ग्रहण कर रहे हैं, उत्पादकों के द्वारा ये शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीवों द्वारा मांसाहारी तक पहुंचते हैं और मांसाहारी द्वारा शेष मांसाहारी तक पहुंचती है। प्रश्न चार, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला हमें ये बताती है कि पर्यावरण में कौन सा जीव दूसरे जीव को खाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे उत्पादक होते हैं। इन उत्पादक को यहाँ पे हिरण खाएगा, जो कि एक उपभोक्ता है। इस हिरण को यहाँ पे बाघ खाएगा, जो भी एक उपभोक्ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से शुरू होती है और उपभोक्ता तक जाती है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो घास, गेहूं और आम तीनों ही यहाँ पे उत्पादक है, तो ये एक खाद्य श्रृंखला नहीं है। बकरे, गाय और हाथी तीनों ही हमारे उपभोक्ता हैं, तो ये भी हमारी एक खाद्य श्रृंखला नहीं है। मेंढक, बाज और हिरण, ये फिर से तीनों हमारे उपभोक्ता हैं, तो ये भी हमारी खाद्य श्रृंखला नहीं है। बात करते हैं हम यहाँ पे घास की, तो घास यहाँ पे एक उत्पादक हो जाएगा जिसे उपभोक्ता बकरी खाएगी और इस उपभोक्ता को मानव खाएगा, तो ये हमारी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला बनती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न में आपको पर्यावरण मित्र व्यवहार पहचानने हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ऐसे व्यवहार होते हैं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का
सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं ताकि वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रह सके। जैसे कि काम खत्म होने पर लाइट और पंखे बंद कर देना, जितना हो सके पैदल चलना, पानी की बचत करना, पेड़ पौधे लगाना। तो अगर हम अभी सारे विकल्पों को देखें तो सभी के सभी विकल्प हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो के आधार पे हम कुछ एक प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न।